Good morning, students. Today we will discuss some more important questions, exam-oriented questions on the real numbers and especially on fundamental theorem of arithmetic. So first question is, what is the smallest number that when divided by 35, 56 and 91 leaves the remainder 7 in each case? तो हमने सबसे छोटा smallest number find out करना है जो 35, 56 और 91 से डिवाइड करने के रिमाइंडर हर केस में 7 बचना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. एलसीएम ऑफ 35, 56 एंड 91. तो इनका एलसीएम ये 7 पे कैंसिल हो जाएगा. 7 5 सा 35, 7 8 सा 56, 7 1 सा 7, 2 पैर 21, 7 3 सा 21. सो एलसीएम विल बी 7 इनटू 5 इनटू 8 इनटू 13. तो 7 5 सा 35, 13 8 सा 104. तो 104 इनटू 35 कम्स आउट टू बी 3640. सो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 3640. अब हमसे पूछा है कि जब इन तीनों नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 बचना चाहिए. सो रिक्वायर्ड नंबर कैसे मिलेगा, इस एलसीएम में हम 7 ऐड कर देंगे. 3640 प्लस 7, सो इट कम्स आउट टू 3647. तो ये जो नंबर है ये रिक्वायर्ड नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर है. कैसा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर. अब हम चेक करेंगे कि इस नंबर को अगर 35 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 बचता है, उस तरह से 56 और 91 पे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 बचना चाहिए. सो check for this is 3647 divided by first number कौन सा है, 35. तो 35 से अगर हम इसको divide करें तो 1 पे जाएंगे, 35 1. अब carry करने के बाद भी ये छोटा बच गया तो एक 0 लगा के next digit हम चलाएंगे तो 3 4 12, 4 5 20, 12 plus 2 14. तो रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 7. इसी तरह से जब हम सेम नंबर को 56, दूसरा नंबर कौन सा है 56 से डिवाइड करेंगे, 3 6 4 7, 6 by 6 is 36, 3 6 5 is 30 plus 3 33, 8 5 minus 3 2 7, 5 5 is 25 5 6 is 30 25 plus 3 28, again remainder is 7. Now third number is 91, और जब हम इस नंबर को 91 से डिवाइड करेंगे, 3 6 4 7 डिवाइडेड बाय 91, तो 9 4 is 36, 4 1 is 4, 9 4 is 36. अब रिमाइंडर हमारे पास 7 बच गया, लेकिन आगे डिवाइड नहीं हो तो हम क्वेश्चन में 0 लगाएंगे, अगेन द रिमाइंडर इज 7. सो स्मॉलेस्ट नंबर रिक्वायर्ड कौन सा है, 3647. और इसको अगर हम 35, 56 और 91 से डिवाइड करें तो हमने चेक करके देखा कि रिमाइंडर हमेशा 7 बचे. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर नियरेस्ट टू
1,10,000, but greater than 1,00,000, which is exactly, which is exactly divisible by 8, 15, and 20. तो हमसे नंबर पूछा है नियरेस्ट, इसके नियरेस्ट कौन सा होगा, तो अगेन हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. सो एलसीएम ऑफ 8, 15, and 21, 8, 15, and 21, तो ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3, 8, 3, 5, 15, 3, 7, 21. So LCM is equal to 3 × 8 × 5 × 7, 3 × 24 × 5 × 7, 24 × 5 = 120 × 7, so it comes out to 12 × 7 = 84, 840. So LCM of these three numbers is 840. अब हमने एक नंबर फाइंड आउट करना है नियरेस्ट टू दिस बट ग्रेटर देन 1,00,000. तो हम क्या करेंगे, जो जिसके नियरेस्ट फाइंड आउट करना है इसको डिवाइड कर देते हैं. सो डिवाइड 1,10,000 बाई 840. सो फर्स्ट 1 पे जाएगा 0, 2,600. नेक्स्ट 8, 3 = 24, 0, 3, 4 = 12, 8 + 24 + 1 = 25, 0, 8. नेक्स्ट 0 हमने नीचे उतारा, फिर भी छोटा रह गया, तो हम क्वेश्चन में 0 लगाएंगे. तो ये जो नंबर है 1,10,000, ये 800 ज़्यादा है जो नंबर हमें चाहिए. तो रिक्वायर्ड नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, इस नंबर में से 800 माइनस फाइंड कर देंगे. सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 1,10,000 माइनस 800, और इसमें से अगर हम 800 माइनस करें तो नंबर कम्स आउट टू बी 1,09,200. सो इन दिस वे अगर हम चेक करें तो ये जो नंबर है इट इज नियरर टू 1,10,000 बट ग्रेटर देन 1,00,000. सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, find the smallest number which leaves the remainder इस क्वेश्चन में हमने फिर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है और रिमाइंडर कितना चाहेगा 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 and 30. तो इसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, अगेन हम जो नंबर्स दे रखे हैं उनके एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. तो नंबर कौन से हैं, 28 and 32. सो 28 and 32 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे.
सेवन पे सॉरी फोर पे या टू पे कैंसिल कर लो, 14, 16, अगेन टू पे, 7, 8, सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 × 7 × 8 टू द 4 × 7 × 8, सो 4 × 7 = 28 × 8, 8 × 8 = 64, 6 × 8 = 16 + 6 = 22, सो एलसीएम काउंट आउट टू बी 224। अब ये जो नंबर है इसको जब इससे डिवाइड करेंगे दोनों नंबर से तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 8 और 12। सो हाउ वी फाइंड रिक्वायर्ड नंबर, सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम माइनस जो हमने दोनों नंबर्स का रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 8 और 12। सो 224 − 20, सो नंबर कम्स आउट टू बी 204। सो जो नंबर हमें चाहिए जिसको अगर हम 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 28 से डिवाइड करें तो 8 मिलना चाहिए और 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 12 मिलना चाहिए। सो लेट अस चेक 204 को अगर हम 28 से डिवाइड करें तो सो अगर हमने इस नंबर को 28 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 8 बचा। अब हमने सेम नंबर को 32 से डिवाइड करना है, सो रिमाइंडर हमारे पास बचना चाहिए 12। तो 3 × 6 = 18, 32 × 6 = 12, 1 = 18 + 1, सो 192, 4 − 2 = 2 और 10 − 9 = 1। सो अब 32 से सेम नंबर को डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 12। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स and next additional questions will be discussed in the next video. This is all for today. Thank you.